नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। इस मैच में इस वक्त न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। इस मैच की पहली पारी में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी कंट्रोल में नजर आ रहे थे। 44 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने उन्हें एक शानदार गेंद डालकर उनका विकेट हासिल कर टीम इंडिया को गहरा घाव दिया। मैच के बाद काइल जेमिसन ने विराट कोहली के डिसमिसल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुशी जताई है कि खेल के तीसरे दिन वो कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब रहे। दिन का खेल समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में काइल जेमिसन ने विराट कोहली के विकेट को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है और ऐसे खिलाड़ी ज्यादा गलती नहीं करते हैं। मुझे उनका विकेट लेकर काफी खुशी महसूस हो रही है। वो अपनी टीम के अहम प्लेयर हैं और उन्हें जल्दी पवेलियन भेजना हमारे लिए काफी शानदार साबित हुआ। हमारे लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत थी। काइल जेमिसन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने 31 रन देकर 5 विकेट चटकाए। यही वजह रही कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। आपको बता दें कि तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए। कप्तान केन विलियमसन 12 और रॉस टेलर बिना खाता खोले क्रीज पर। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड भारत से अभी भी 116 रन पीछे। खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।